तू सबसे बड़ा शैतान है कि मेरा पोता ये सारी दुनिया पे राज करेगा। हाँ नतीश, तुम लोग मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा बच्चा मुझे दो नतीश, मेरा बच्चा दो, नतीश मेरा बच्चा मुझे दो, मेरा बच्चा मुझे दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, देखना साक्षी को उन शैतानों के बीच अकेला छोड़कर हम लोगों ने ठीक नहीं किया बड़े पापा। उसे जल्द से जल्द उस चक्रव्यूह से निकालना होगा। साक्षी की उन्हें जरूरत नहीं है, साक्षी को वो लोग छोड़ देंगे, लेकिन उस बच्चे को वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं। हाँ, हमें साक्षी के साथ साथ उस बच्चे को भी बचाना होगा। आज शायद 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं उस बच्चे को हल्दी वाला दूध पिलाए हुए। फिर से दूध पिलाने का वक्त आ गया। इन 2 सालों में कम से कम 3 बार उसे हल्दी वाला दूध पिलाना होगा। साक्षी तो अब पड़ोस में रहती है, इसलिए उस बच्चे को अब दूध पिलाना शायद आसान होगा। शायद इतना आसान नहीं होगा बड़े पापा। वो शैतान जरूर अपने घर बैठे उन पर नजर रखे हुए होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, साक्षी और उसके बच्चे को बचाने की कोशिश करनी ही होगी बड़े बाबा, करनी ही होगी। बेचारी साक्षी, उसे लगा कि हम उसके शुभ चिंतक हैं, अब वो हम पर भरोसा कर सकती है। मोहिनी के डॉक्टर से उसको प्रॉब्लम हुई तो हमने अपना डॉक्टर भेज दिया जो हमारा मोहरा था। बेचारी साक्षी सब बातों से अनजान, उसने हमारे डॉक्टर की दी हुई जड़ी बूटी वाली दवाई भी खा ली। बेवकूफ औरत अनजानों पर भरोसा करती है। माँ, ये तो वही चैन है ना जो आपने साक्षी को शादी में गिफ्ट की थी? हाँ बेटा, ये वही चैन है, लेकिन अब मैंने उसमें ऐसे मंत्र फूंके हैं जिसकी बदौलत वो कोई भी बात याद नहीं रखेगी, और हम उसके दिमाग को इतना कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे और ऐसी चीजें दिखाएंगे कि
कि वो सपने में भी सोच नहीं सकेगी। मतलब? मतलब ये बेटा कि ये लॉकेट अब साक्षी को पूरे अपने वश में रखेगी। हम जो चाहेंगे वही वो करेगी, हम जो चाहेंगे वही देखेगी। अब पूरी तरह से उसकी लगाम हमारे हाथ में होगी। लेकिन बेटा अब तुझे हर पल साक्षी पे नजर रखनी होगी। ये बहुत तेज लड़की है। आप फिक्र मत कीजिए माँ, हम हमारे मंसूबों में जरूर कामयाब होंगे। नितेश बेटा, तू अपने बेटे और अपनी बीबी को अपने घर ले जा। ये अभी पूरी तरह से दवाई के नशे में है। जी माँ। और तुम जानते हो ना कि आगे तुम्हें क्या करना है? हाँ। तो तुम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि साक्षी घर पर नहीं है, फिर भी तुम बार बार फोन करके हमें क्यों तंग करती हो? घर पर नहीं है, लेकिन वो गई कहाँ है? बहुत दिनों से मुझे भी नहीं फोन किया है। अच्छा, उसने तुम्हें भी फोन नहीं किया? तुम्हारी रिश्तेदार लगती है ना शलाका वो? मुझे तो लगता है वो घर छोड़कर भाग गई है। ढूंढ लो उसे। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? वो घर पर वापस आया तो बोल दीजिएगा कि मेरा फोन था। तुम पागल हो गई हो क्या शलाका? तुम्हें मुझ पर अब तक भरोसा है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा मैसेज साक्षी को दूंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, बताओ क्या मैसेज है। अरे चुप क्यों हो गई हो तुम? इससे तो बात करना भी फिजूल है। हमारे पास है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा दोबारा साक्षी के पास वापस नहीं जाना चाहिए। बच्चे को इंसान बनाने की साक्षी की कोशिशों से तो मैं तंग आ चुकी हूं, लेकिन अब हमें बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, उसे शक्तिशाली बनाना होगा, इस दुनिया पर राज करेगा हमारा जिनके। लेकिन हम साक्षी को बच्चे से दूर कैसे रख सकते हैं? बहुत आसान है, तुम उसकी फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
मैंने सब सोच लिया है। अब से हम सिर्फ अपने अपने किरदार निभाएंगे। अब तक हम साक्षी को सिर्फ बेवकूफ बनाते आए हैं, लेकिन अब हम उसे पूरी तरह से पागल बना देंगे। पागल साक्षी अब अपने बच्चे तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं। इन 3 दिनों में क्या हुआ उसे कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ नहीं। और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। हम उसे यह एहसास दिला देंगे कि उसने इतनी बड़ी गलती की है जो कोई मां नहीं कर सकती, कोई मां नहीं कर सकती। यहाँ भी कोई नहीं है, आखिर सब लोग गए कहाँ? और आज क्या? हे भगवान, क्या बात है साक्षी, तुम इतनी परेशान क्यों? वो अजिंक्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। साक्षी, तुम अजिंक्य को लेकर इतनी परेशान क्यों रहती हो? वैसे भी जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पास थोड़े रहेगा। हाँ, लेकिन भैया अभी तो वो बहुत छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। वो साक्षी देखो, नितेश अजिंक्य को लेकर ऑफिस गया है। क्या? लेकिन भैया आज तो संडे है, संडे को तो ऑफिस बंद होता है। तुम्हें ये क्या हो गया साक्षी, आज संडे नहीं थर्सडे है। संडे के दिन तो मैं पूना गया था, 3 दिनों के बाद लौटा हूँ। इतना भी याद नहीं है तुम्हें? आराम करो। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कहीं मैं 4 दिन तक सो तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ये इन लोगों की कोई नई चाल तो नहीं? अरे कौन है भाई, रोज रोज चले आते हैं, समझ में नहीं आता क्या चाहिए क्या तुम्हें? अरे हम मंदिर का चंदा वंदा कुछ नहीं देते, जाओ यहाँ से। अरे कह दिया ना कि मंदिर का चंदा वंदा नहीं मिलेगा, जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते। अरे सुनिए सुनिए, आप चाची जी है ना? हाँ। मुझे साक्षी से मिलना है। साक्षी हमारे पड़ोस में रहती है। मुझे लगा शायद यही रहती है, इसीलिए आपको परेशान किया। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको काम होगा तभी तो आप आए ना। आप 1 मिनट रुकिए, मैं घर का दरवाजा बंद करके आपको वहाँ ले चलती हूँ, ठीक है? अच्छी हैं आप। वहीं ले चलती हूँ आपको। अरे चाची जी आइए ना। नहीं नहीं आऊंगी नहीं, आपके मेहमान घर भूल गए थे, हमारे घर चले गए थे, उन्हें सही घर बताने के लिए आई हूँ। अच्छा, कहाँ है मेहमान? अरे अभी तो यही थे, मेरे साथ ही आए थे। जाने दो, नितेश से कहना नेत्री आया था। नेत्री? हाँ, और साक्षी तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं 4 दिन तक बेहोश रही, ये कैसे हो सकता है? और मेरा बच्चा? हे भगवान, इन 4 दिनों में न जाने इन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया होगा। नितेश उसे लेकर कहाँ गया? मैं क्या करूँ? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इतने दिन तक सोई रही? माजी, नितेश कहाँ है? मुझे नहीं पता। माजी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुमने मुझे बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। मैंने क्या किया? तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो।
तुमने जो भी कुछ किया है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी मैंने किया क्या है, माँ जी बताइए ना सही। साक्षी तुम यूं ही सोचती रहोगी कि तुमने किया क्या है और हम तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है। तुम तो सिर्फ बेहोश थी लेकिन ये बेहोशी तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि अब हम इसका बहुत फायदा उठाएंगे। वो आ रही है। माँ पता नहीं आजकल साक्षी अजीब सा बर्ताव क्यों करने लगी है। हाँ मैं भी इसी बात से नाराज हूं। हाँ माँ मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ। अरे पति पत्नी में आमतौर पर झगड़े होते ही रहते हैं, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। लेकिन साक्षी ने तो उसने तो अपने बच्चे को ही उठाकर फेंक दिया। मुझे तो बेचारे बच्चे पर तरस आता है। लगता है साक्षी अब पागल हो गई है वरना कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसी तकलीफ नहीं दे सकती। खैर उसे भी तो पता नहीं वो खुद क्या अपने बच्चे के साथ कर रही है। हाँ माँ इसलिए आजकल नितेश भी अजिंक्या को अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं करता है। हाँ मेरा बेटा नितेश और कर भी क्या सकता है। हे भगवान ये मैंने क्या किया। मैंने नहीं नहीं मैं अपने बच्चे को कैसे गिरा सकती हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। ये सच नहीं हो सकता। ये लोग सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बीच में मत लो वो ठीक से हमारे फैमिली को जानते तक नहीं है। साक्षी दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। साक्षी मैंने कहा दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी मैं। साक्षी अपना ये पागलपन बंद करो अब। मैं पागल नहीं हूँ। साक्षी नहीं हूँ मैं पागल। ये पागलपन बंद करो। बंद करो अपना ये पागलपन। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था साक्षी। बहुत गलत किया है तुमने। बहुत गलत किया। क्या किया मैंने? तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया? मैं बताती हूँ। तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था साक्षी। क्या किया मैंने अपने बच्चे के साथ? अच्छा अब तुम दिखावा भी करने लग गई हो। मेरा यकीन कीजिए मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। बताइए मुझे मैंने क्या किया। मानना पड़ेगा तुम्हें साक्षी तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे निकली। हाँ साक्षी कुदरत भी पता नहीं कैसे खेल खेलती है। तुम जैसी औरतों को जिन्हें बच्चों से जरा भी प्यार नहीं है बच्चा दे देती है और जिन्हें बच्चों से प्यार है उन्हें बच्चा नहीं देती। भाभी आप कैसी बात कर। अगर अजिंक्या मेरा बेटा होता ना साक्षी तो मैं उसे सौगात की तरह संभाल कर रखती। तुम्हारी तरह नहीं। अब भाभी कहना क्या चाहती हो। तुम्हें याद नहीं तुमने अजिंक्या के साथ क्या किया। तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपनी औलाद के साथ क्या किया। मैं बताऊं तुमने क्या किया। सुनना चाहती हो तुमने क्या किया। तुमने अपने ही बच्चे को चाकू से मारने की कोशिश की समझी तुम। नहीं। हाँ नहीं। तुम्हें संभालना हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है साक्षी समझी। तुम पागल हो चुकी हो साक्षी। नहीं। जब नितेश ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने नितेश को भी घायल कर दिया। तुमने जो अपने बच्चे के साथ किया वो तुम्हें करने का सोच भी नहीं सकती। आप झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं कह रही साक्षी। आप साजिश कर रही है मेरे खिलाफ। छोड़िए मुझे। पागल हो चुकी है। अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। झूठ बोल रही है। साक्षी झूठ तो मैं बोल ही रही हूं
और अगर मैंने तुम्हें अपने आप से नफरत नहीं करवाई तो मेरा भी नाम महाचंडालिका नहीं। ये लोग जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, इसीलिए मुझे दिमागी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं ताकि मैं उनके खिलाफ कोई चाल ना चल पाऊं। लेकिन ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे मुझे निद्री और शलाखा से मिलना चाहिए, वही मेरी मदद करेगी। जा रही हूँ माँ जी। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। करीना, तुम कहीं नहीं जाओगी, नतेश के परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाओगी, और उसकी बात तुम्हें माननी होगी। मुझे किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं, छोड़े मैं आप। अच्छी बात नहीं, इसलिए हम तुम्हारा हाथ बांध रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस बस तुम यहाँ आराम से लेटी रहो। तुम आराम से लेटी रहो। भैया छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। बस तुम्हारा हाथ बांध रहे हम। चुपचाप से यहाँ लेटी रहो, तुम्हें कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। से बधे रहना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, समझी तुम? बहुत जरूरी है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। चुप, चुप कहा मैंने, चुप, पागल हो तुम, पागल। पिछले 3 दिनों से न साक्षी खुद आई है ना उसने फोन किया, पता नहीं क्या बात है। आप एक बार और फोन कीजिए ना, हो सकता है साक्षी से बात हो जाए। नहीं नित्री, कोई फायदा नहीं। वैसे मैंने एक बार फोन किया था, मोहिनी से बात भी हुई है। तो क्या कहा उसने? ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रही, तो मैंने फोन कट भी कर दिया। And I'm sure उसने मेरा मैसेज भी साक्षी को नहीं दिया हो। तब तो हमें साक्षी के घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अपने फायदे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जी नीत्री, सही कह रहे हैं। हाँ कहिए, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अंदर कहाँ जा रहे हो? हमें साक्षी से मिलना है, वो घर पर है? नहीं, आप इस वक्त साक्षी से नहीं मिल सकते। देखिए, हमारे लिए उसका मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, आप साक्षी से नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों?
क्योंकि वो अपने पति के साथ 2 हफ्ते के लिए बाहर गई हैं। हमें आपकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं। तो जाइए, ढूंढिए उसे, गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाइए। आप इस तरह क्यों बातें कर रही हैं? क्या किया है आपने साक्षी के साथ? देखिए, ये मत समझिए कि साक्षी बिल्कुल अकेली है, उसका कोई नहीं है। आप हो ना उसके साथ? हम उसके साथ हैं। जाइए यहाँ से। हम जानते हैं कि साक्षी यही है। आप ज्यादा दिन तक उसे घर में छुपा कर नहीं रख सकेंगी, समझी आप? मैंने कहा ना आप यहाँ से जाइए। अरे कैसे चले जाए हम तो साक्षी को लेकर। अरे हम लेकर, आपने जरूर कुछ किया है। आप मेरे घर से चले जाइए। हाँ चलती हूँ ना, चलती हूँ। हम साक्षी को जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज गो। मोहिनी, मोहिनी, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? वो नीत्री आया था शलाका के साथ, साक्षी के बारे में पूछ रही थी। अब हमें जल्द से जल्द साक्षी को पागल करना होगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी हमारी साजिश काम करने लगी है। बहुत जल्द साक्षी पूरी तरह से पागल हो जाएगी। उसके गले में जो लॉकेट है वो सब काम करेगा। लॉकेट? लॉकेट से क्या होगा? उस लॉकेट से साक्षी को अजीब अजीब वहम आएंगे। वो हर वहम को सच मानने लगेगी और हर सच को वहम। नैदेश के साथ ऑफिस के हैं। क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा? अब मेरा बच्चा रो रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अजिंक्य, तुम्हारे कान बज रहे हैं साक्षी, तुम्हारे कान बज रहे हैं। साकेत भैया, आपको सुनाई नहीं दे रहा? साक्षी, अजिंक्य इस घर में नहीं है इस वक्त। बाजी कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा रो रहा है, जाने दीजिए मुझे। चलो मेरे देखा बेटा, तुम्हारी माँ पागल हो गई, पागल हो गई तुम्हारी माँ। अब हम साक्षी को बच्चा दिखाएंगे जरूर, लेकिन छूने नहीं देंगे। उससे क्या होगा? एक माँ को पागल करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है?
अब देखना वो कैसे तड़पती है जिनके के लिए, और जैसे ही उसकी तड़प हद से बढ़ जाएगी हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन अजिंक्य किसके पास रहेगा? मोइनी के पास। देखो नितेश, बुरा मत मानना, लेकिन अजिंक्य का मोहिनी के पास रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसके खालीपन का एहसास दिलाता रहेगा, क्योंकि अजिंक्य उसका बेटा नहीं है, और वो फ्रस्ट्रेट होकर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। लगता है साक्षी बहुत जल्दी में किसी के सामने अपना दुखड़ा रोना चाहती है, पर क्या करे जब फोन ही कनेक्ट ना हो।